सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप बिना किसी के, अगर आप बेसिक सो आपको कुछ आता नहीं है अभी कंप्यूटर में और आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है, तो आप कैसे अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। आपने वीडियो बना ली सिंपली अपने डिवाइस से किसी भी, तो आपको इसके लिए विंडोज 10 चाहिए होगी और बिना किसी ऐप के, मतलब ऐप तो, पर बिना आपको कोई डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको विंडोज़ 10 चाहिए होगी या फिर विंडोज आप 7 भी या 8 ले सकते हो। उसमें आपको एक ऐप मिलेगा, आपको यहाँ पे जाना और सर्च करना है वीडियो एडिटर, ऐसा आपको ऐप मिलना चाहिए और इसे आपको कर देना ओपन। ये भी ओपन हो रहा है। हम न्यू वीडियो प्रोजेक्ट में जाएंगे, इसको दबा देंगे। योर प्रोजेक्ट लाइब्रेरी एम्प्टी, अब हमें इसका कोई नाम रखना होगा आपकी वीडियो का, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये आपको यूट्यूब पे डालनी है तो किसकी कौन सी वीडियो है। तो आप नाम में, जैसे मैं वीडियो डालूँगा यूट्यूब पे, तो मैं इसका नाम रख दूँगा ट्यूटोरियल हाउ टू मेक, ऐसे आप रख सकते हो, पर मैं तो रखूँगा अपना नाम ये मैंने अपना ऐसा नाम रख दिया। ओके पे दबा देना। तो हमें इस पर वीडियो एडिट करनी है, हमारे पास अभी कोई वीडियो है ही नहीं, तो हम इसमें ऐड पे जाएंगे। आपको अगर आपके पीसी में वीडियो है, क्योंकि इसके लिए तो पीसी चाहिए होता है, पर आपके पास वीडियो है तो आप ऐड फ्रॉम दिस पीसी करोगे। पर मुझे अपने पीसी से नहीं करनी है, मुझे कोई बाहर की वीडियो डाल के डालनी है, तो मैं फ्रॉम द वेब करूँगा, या फिर मैं आपको फ्रॉम द पीसी करके भी दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। जैसे कि ये कोई वीडियो है, तो मैं इसको करके यहाँ पे दबा दूँगा, तो ये टू अदर फाइल प्रॉपर्टी कैन यू वी कैन ऐड देम, ठीक है। तो आपको ये वाली फाइल ठीक नहीं है तब भी मैं कह रहा था, पर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे जाके अपना कोई भी फोल्डर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाके ऐसे यूट्यूब का फोल्डर कर दिया आपने, ये सारे फोल्डर्स करके आप कर सकते हो। अब फिर अब मेरे पास तो नहीं अभी, तो फ्रॉम जाएंगे फ्रॉम द वेब से, अभी वो दे देगा आपको कौन सा चाहिए, और आप अपने इससे भी कर सकते हो। हमें चाहिए डॉग की, डॉग लिख लेते हैं, डॉग ले लिया हमने और ये सारे डॉग्स हैं। अब आप क्रिएटिव कॉमन बींग्स से आती है डॉग, जैसे हम कोई क्यूट सा डॉग ले सकते हैं, जैसे कि हम डॉग ये कितना अच्छा लगा, ये ले लेते हैं। इंसर्ट वन ही करेंगे, अगर आप टू करना चाहो टू कर सकते हो, बस उस पर टैप करना है। मैं वन इंसर्ट करूँगा, फिर आपको इसको कर देना यहाँ पे, ये डॉग की वीडियो आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसे आप प्ले कर सकते हो, ये वीडियो है, बस इस पर कुछ नहीं है, ये ऐसी वीडियो है। अब आप इस पर जा सकते हो, क्या कहते हैं, 3D इफेक्ट्स पे, और यहाँ पे आपको सारे 3D इफेक्ट्स मिल सकते हैं। कॉमेट ट्रेल हम ले लेते हैं, पार्टी पॉपर लेंगे हम, ये कॉन्फिटी फाउंटेन हम पार्टी पॉपर लेंगे, इसको आप बड़ा रोटेट कर सकते हो, ऐसे करना है, ऊपर से निकलना है, कहाँ से निकलना है, इसको आप इधर इधर रोटेट भी कर सकते हो, ऐसे 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 भी रोटेट कर सकते हो। हम यहीं पे रखेंगे वॉल्यूम थोड़ी कम, क्योंकि आवाज़ आती है पॉटी पॉपर में, पार्टी पॉपर में तो भप होता है। ये आपको आप सीन भी पता चलता है किस किस सीन के बीच में करना है, डन पे क्लिक करियो करिए, और अब इस पर बस ये था, ये पार्टी पॉपर छोटा सा, ये देखिए छोटा सा पार्टी पेपर। और अगर आपको और इन जैसे वीडियो को आपको जोड़ना है, अलग अलग वीडियो बनाई है, तो फिर से आप ऐड पे जाएंगे, फिर से आप पीसी में जाएंगे, फिर मैं फ्रॉम द वेब जाऊँगा क्योंकि आपने देख लिया था। और हम अब इस बार लेंगे हम कैट्स ले लेंगे, फिर कैट्स हम लेके हम ले लेंगे इस वाली कैट की फ़ोटो, फिर हम इसे इंसर्ट पे जाएंगे, तो फिर हम ये कॉपी हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं फ़ोटो ले सकते, पर इसमें ये हमें दूसरी फ़ोटो लेनी पड़ेगी। कुछ फ़ोटोज़ होती हैं जो हम नहीं ले सकते कभी कभार, क्योंकि वो इतनी सूट नहीं करती ना, जैसे JPG होता है, PDF होता है, हम ये वाली फ़ोटो। और अगर आपको टू फोटोज़ लेनी है तो स्पेस पे क्लिक कर दो, पर मैं सिर्फ वन लूँगा, चलो वो सारी ले लेते हैं, क्या ला रहा है अपना, ये सारी फोटोज हो रही हैं। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने थोड़ी ज़्यादा फोटोज ली हैं, जस्ट टेक मोमेंट।
ये तो है ना, थोड़ी सी आई है, थोड़ी सी आई है, ये सारी नहीं, सारी तो आई है। अब आपको बता सकते हो कि आपको कौन कौन सा सीन डालना है। जैसे आपको पहले आपको ये वाला सीन डालना है तो हम ये ले लेंगे, इधर करना है इधर, फोर्थ सीन हमें इधर डालना है ये सीन, तो ये सारे सीन लाइन में आ गए। आपको गलत करना है तो उसको यहाँ ले आओ, उसको यहाँ ले आओ। अब इन सारी भी ये सारी वीडियो हो गई कमाइंड। अब इसके बाद डॉग आया, डॉग के बाद वो आ गया, फिर अब इसमें भी हम ट्रांजिशन डाल सकते हैं, कस्टम ऑडियो। जैसे मैं रिकॉर्ड करूँ ऑडियो फाइल, वो आपको गूगल क्रोम से डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप डाल सकते हो, वो तो ये भी दे देते हैं। जैसे मैं डालूंगा एम्पलीफायर डाल दूंगा, डन, ठीक है, एम्पलीफायर डन कर दिया, ऑन करो। आपको सुनाई दे रहा है ना? दे रहा होगा आपको। अब हमें पहले ये देखना होगा हमें बैकग्राउंड म्यूजिक डालना कहाँ है। ये हमने क्या लिया था, ये क्लिक कर देंगे, डन का दबा देंगे, ये म्यूजिक ऐड हो चुका है। ये मैं इससे करता हूँ, अभी म्यूजिक बज रहा है, और आप इसे करके फिनिश वीडियो पे जाके फिनिश वीडियो कर दिया। 180 पिक्सल 720 स्मॉलेस्ट फाइल साइज है, आपके लैपटॉप में ज़्यादा फाइल है या आप इसी में, तो इस पे हम एक्सपोर्ट कर देंगे इसी पे ही। कौन से पे करना है, मैं करूँगा ट्यूटोरियल्स, मैं इसे कर लूँगा यूट्यूब पे सेव, तो यूट्यूब वाले पे, और एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्टिंग हो रही है। और फिर ऐसे करके आप ख़त्म कर सकते हो। और आज मैंने कोई ट्यूटोरियल वाली वीडियो नहीं बनाई, मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, क्योंकि आपके थोड़े कमेंट्स आए थे कि भैया वो मुझे ये वाली वीडियो दो, ये वाली वीडियो, तो मैंने ये वाली वीडियो डाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।